हाय एवरीवन, मेरा नाम सुशांत शर्मा, आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल स्टेट एक्सपर्ट में। आज मैं आपके लिए विपुल वर्ड में 240 गज में 3 BHK बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आया हूँ। नियर बाय आपको मार्केट मिल जाती है, नियर बाय आपको हॉस्पिटल मिल जाते हैं, 5 मिनट की दूरी पे आपको पार्क मिल जाएगा। देर ना करते हुए आइए, स्टार्ट करते हैं सारे के सारे टूर को। स्टार्टिंग में ही हमारा ये ड्राइंग रूम है पूरा, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा ड्राइंग रूम है। नीचे सारी की सारी टाइल्स यूज की हुई हैं, सामने एक हमें टीवी कंसोल मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ आप देखेंगे व्हाइट एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन के साथ जो इस पेंट के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। हम देखेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको डिजाइन मिल जाते हैं यहाँ पे जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ऊपर आप सामान रख सकते हैं अपना, नीचे आप अपना सामान रख सकते हैं, यहाँ पे आपको ड्रॉर मिल जाते हैं, आप अपने जितना सामान चाहे आप रख सकते हैं। आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपका सोफा सेट आ जाएगा, आप यहाँ पे अपने सामान रख सकते हो। ऊपर आपको फैन की जगह मिल जाती है, बहुत अच्छा डिजाइन मिल जाता है आपको ड्राइंग रूम में। हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड पे 2 रूम है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका 1 रूम आ जाता है। फर्स्ट मैं आपको राइट हैंड साइड के फर्स्ट रूम में लेके चलता हूँ, आइए प्लीज। वुड की बात करूं, बहुत अच्छी क्वालिटी की वुड यूज कर रखी है, बहुत हैवी मटेरियल यूज कर रखा है। डोर सेट के यहाँ पे लॉक सिस्टम यूज कर रखे हैं। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपको बहुत ही बड़ी 2 अलमीरा मिल जाती हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छा आप अपना सामान रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आपको दिखा रखा है, आप अपना सामान पूरा यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे भी आपको सामान रख सकते हो आप सेकेंड अलमीरा में। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको वॉलपेपर मिल जाता है। अभी यहाँ पे हम आते हैं तो आपको अंदर आएंगे तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे अच्छी टाइल्स यूज कर रखी हैं, सारी की सारी फिटिंग जो है आपको हिंडवेयर की मिलती है, आपको क्रॉम्पटन का आपको गीजर मिल जाता है, सारी चीजें आपको जो आपके स्विचेस हैं वो आपको हावल्स की मिलते हैं। यहाँ पे आपको बैक साइड की बालकनी मिल जाती है और एक बहुत अच्छी विंडो मिल जाती है, आप देख रहे होंगे मेरे पे आपको बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, तो यहाँ पे आपको कभी भी रोशनी की कमी नहीं होने वाली। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप बैक साइड की बालकनी में आ जाते हैं, जहां पे आपको एक अच्छी वॉकिंग बालकनी मिल जाती है। बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ग्रीनरी मिल जाएगी, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, ज्यादा शोर शराबा नहीं है, पीसफुल एरिया है ये। आपको अच्छी खासी वॉकिंग बालकनी मिल रही है, यहाँ पे आप अपना वॉक कर सकते हो रात के डिनर के बाद। आपको सेफ्टी पर्पज पे देखूं तो आपको सही हाइट पे आपको मिलता है। यही बालकनी हमारे सेकेंड बेडरूम से भी कनेक्ट होती है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, प्लीज कम अमित। सेम जब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो सेम मैंने आपको जैसे बताया था, वुड में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, किसी भी जगह पे आपको सारी की सारी टाइल्स मिलती हैं। यहाँ पे अभी आपको एक वॉलपेपर मिलेगा, वो भी यहाँ पे कस्टमाइज होगा, वो आप जैसे चाहे उसे आप करवा सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा पूरा अलमीरा मिल जाती है जो बहुत अच्छी स्पेस से अलमीरा है। सेम जो इसके ऊपर सनमाइका यूज किया वो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी इन्होंने फिनिशिंग रखी है। यहाँ पे आपकी वही बालकनी आ जाती है, मैं एक बार आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सेम बालकनी आपकी वही है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये सारी बालकनी वही है। सेम ऊपर आपको फैन की जगह मिल जाती है, एलईडी फिटिंग मिल जाती है आपको। आइए इस रूम का मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ एक बार। वॉशरूम में आते हैं, सेम जैसे मैंने आपको बताया वही टाइल्स है, सेम टाइल्स यूज करें जो अच्छी क्वालिटी की है। हिंडवेयर का सारा इन्होंने मटेरियल यूज करा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा इन्होंने मिरर दिया जो आप अपने आप को देख सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैगुआर की फिटिंग मिल जाती है, ऊपर आपको जैगुआर का शावर मिल जाता है। सेम अब आपको थर्ड बेडरूम में लेके चलता हूँ जो बिल्कुल इसके सामने है, जो हमारी कनेक्टिविटी उससे हम जाएंगे तो हमारी फर्स्ट बालकनी जो हमारी फ्रंट गेट की बालकनी है वो आ जाती है। यहाँ पे हम एंट्रेंस करके ऊपर देखते हैं तो आपको डिजाइन मिलता है ऊपर फॉल सीलिंग में, एसी की जगह आपको मिल जाती है। इस वॉशरूम में आप एंटर करेंगे आपको ये बहुत ही स्पेशियस बाथरूम है, बहुत ही बड़ा है और यहाँ पे आप टाइल्स देखेंगे तो बहुत अच्छी यूज करी हुई है। ये आपका मास्टर बेडरूम है, यहाँ पे आपको जो टाइल्स है बिल्कुल अलग यूज की हुई है, सारी के सारे फिटिंग हिंडवेयर की है, जैगुआर का आपको यहाँ पे फिटिंग मिल जाती है, क्रॉम्पटन का आपको यहाँ पे गीजर मिल जाता है।
सेम मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ। सबसे अच्छी बालकनी जो मुझे यहाँ की लगती है, फ्रंट बालकनी इतनी बड़ी दी गई है, आप प्लीज खुद देखें। उससे पहले मैं आपको यहाँ का अलमीरा दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे अलमीरा दी गई है इस रूम में, यहाँ पे अलमीरा दी हुई है दो। आइए अब आपको मैं इस घर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह दिखाता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। देखिए इतनी बड़ी यहाँ पे बालकनी दी हुई है, नीचे देखते हैं तो टाइल्स लगाई हुई है और इतनी बड़ी बालकनी है। यहाँ पे आपका वॉशिंग एरिया आ सकता है, यहाँ पे अपना आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हो, यहाँ पे आपको गैस की जगह भी मिल जाती है, टैब लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे भी टैब लगा हुआ है, यहाँ पे आप एसी फैंस लगा सकते हैं, ऊपर आपका LED फिटिंग्स लगी हुई है, यहाँ पे आप अपना झूला लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है, खुली रोड है, ज़्यादा कुछ हिचकिच नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। आइए अब इस घर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह, जैसे मैं दिल बोलता हूँ घर का, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ। और ये है वो जगह, किचन जिसे मैं आप बोलते हैं, बट मैं इसे बोलता हूँ घर का दिल। यहाँ पे आपका फ्रिज आ जाएगा, इसको आप हटा सकते हैं, ये हट जाता है, यहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आपका ओवन आ जाएगा और सामान आप कितना रख सकते हो, जहाँ आप चाहो वहाँ आपको स्पेस दिया हुआ है। नीचे आपको इतने स्पेस दिया हुआ है, ये भी ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सामान का इतना स्पेस दिया हुआ है, मतलब स्पेस नाम के लिए तो इतनी जगह इन्होंने दी हुई है कि आप आराम से, और सब कुछ यहाँ पे सॉफ्ट टच है, सब कुछ सॉफ्ट टच है, यहाँ पे A to Z चीज़ें यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिलती हैं। यहाँ पे आपका और सामान यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं, ये भी आपका सारा का सारा सॉफ्ट टच है। लेफ्ट साइड पे आपको आपका सिंक मिल जाता है, इसके नीचे आप यहाँ पे अपना डस्टबिन भी रख सकते हैं, ऊपर की तरफ आप अपने डिशेज साफ करके रख सकते हैं, ऊपर आपका गीजर भी लगा हुआ है। सेम यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपको दो विंडो मिल जाती हैं, आपको कभी भी आपको यहाँ पे अकेलापन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे आपका डाइनिंग स्पेस आता है, यहाँ पे आप अपनी पूरी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। और ये घर का दूसरी ऐसी जगह होती है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ सारी बातें डिस्कस करते हैं। रात में जब आप डिनर पे बैठते हैं तो आप अपनी फैमिली, मम्मा पापा ब्रदर सबके साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हैं जो पूरे दिन में आपके साथ होती हैं। मेरे हिसाब से दो जगह घर में सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक तो जहाँ आपकी डाइनिंग टेबल लगी होती है और एक आपका किचन। और यहाँ पे इतने स्पेशियस आपको डाइनिंग टेबल की जगह दी हुई है, आप आराम से यहाँ पे 6 से 7 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। ऊपर आपको फैन मिल जाता है, आपको बहुत अच्छा रेक्टेंगुलर शेप में आपको यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाती है, पीछे AC की जगह मिल जाती है। तो ये था इस घर का होम टूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अगर आप नए हैं हमारे चैनल के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज मैं आपको नई नई वीडियोस अपडेट करता रहूंगा। अगर आप कोई बिल्डर है और कोलैबोरेशन के लिए हमसे बात करना चाहते हैं तो सेम नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग छोटी से छोटी इंक्वायरी के लिए आप मुझे 24/7 कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।